यह साल शाहरुख खान के नाम जाता है जिन्होंने बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी हैं। पहले दिन 57 करोड़ की ओपनिंग ली थी। अच्छी खासी मूवी के रिकॉर्ड पहले दिन की कमाई के मामले में तोड़ दिए थे, जिसने पूरी दुनिया में 1050 करोड़ की कमाई की थी। फिर जवान आई, जिसने पहले दिन में ही भारत में 65 करोड़ और दुनिया भर में 130 करोड़ का कारोबार किया। अभी भी थिएटर में ज़बरदस्त कमाई कर रही है। इसी साल 22 दिसंबर को शाहरुख खान की फिल्म डंकी आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जिन्होंने संजू मूवी, मुन्ना भाई MBBS, 3 Idiots जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिन्हें आप भारत का क्रिस्टोफर नोलन भी कह सकते हैं, जिनकी स्टोरी दमदार होती है। शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में तपसी पन्नू के साथ नज़र आने वाले हैं। मूवी के टाइटल को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है। फिल्म का नाम डंकी है, ना कि डोंकी। डंकी शब्द का मतलब फ्लाइट बेस होता है। डंकी उस रास्ते को कहा जाता है जिस रास्ते से एक देश से दूसरे देश में अवैध तरीके से आया और जाया जाता है। भारतीय लोगों के संदर्भ में बात करें तो यह तरीका ज़्यादातर अमेरिका और कनाडा जाने के लिए अपनाया जाता है। इस कहानी को आप डंकी के छोटे से ट्रेलर में देख चुके होंगे, जहां फ्लाइट उड़ती हुई दिखाई जाती है। डंकी के पोस्टर में कुछ इसी तरह का इशारा दिखता है। इस मूवी में भरपूर इमोशन देखने को मिलेगा। हिरानी की मूवी एक ड्रामा मूवी होगी, जिसमें एक पंजाबी लड़के की कहानी दिखाई जाएगी, जिसे रेड चिली एंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी मिलकर बना रहे हैं। रेड चिली एंटरटेनमेंट शाहरुख खान का ही प्रोडक्शन हाउस है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि डंकी एक्टिंग के मामले में जवान और पठान से बहुत आगे निकल जाएगी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे साथ जुड़ने और एंटरटेनमेंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करें। धन्यवाद।